बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए अधिजन अभियंता द्वारा प्रेस वार्ता की गई है और क्या कुछ बताया गया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। विद्युत विभाग की ओर से लगातार चलाए जा रहे डिस्कनेक्शन अभियान, बिल वसूली अभियान समेत कई अभियानों के बाद विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार विभाग की ओर से प्रयास जारी है। इन सब के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य अधिक्षण अभियंता अतुल अग्रवाल की ओर से प्रेस वार्ता की गई। पावर हाउस में अपने दफ्तर पर आयोजित की गई प्रेस वार्ता में अधिक्षण अभियंता द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं से भी चोरी न करने और समय से बिल जमा करने की अपील की गई। प्रेस वार्ता के दौरान अधिक्षण अभियंता अतुल अग्रवाल ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। हमारे बैलेंस रहे, इन पे लोड बैलेंस चलना बहुत आवश्यक है, परंतु ज्यादातर घरों में वायरिंग सिंगल फेज है। जो थ्री फेज हमने कनेक्शन भी दिए हैं वो केवल फेज चेंजर का काम करते हैं, तो उस कारण जब कंज्यूमर एंड पे फैसिलिटी है तो ये तक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अभी चार दिन पहले रात को 3 बजे खुद SDO साहब को फील्ड में जाकर फिर से लोड बैलेंस करना पड़ता, बार बार ट्रिपिंग हो रही थी अनबैलेंसिंग के कारण। ये लगाई गई है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, अनबैलेंस अगर चलेंगे सिस्टम में तो उचित नहीं है, और कई बार अनबैलेंसिंग होती है जस्ट उपभोक्ता की अज्ञानता से। तो उन सबसे लोगों से सहयोग है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, शांति करें। हम लोग यदि आपको सप्लाई नहीं मिल रही है, नेचुरली हमको पता लग जाता है, हमारे लोग तुरंत शुरू हो जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप रात में जागे हों और हम सो रहे हों, हमारे लोग नीचे के जेई SDO इवन मैसेज तक भी रात में आप लोगों ने कई बार देखा होगा 4 बजे आप जब आप लोगों को